हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड डीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे मेरा फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब फ्रेंड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस का मतलब ये होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं हर आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसका नेचर और नीड्स हम आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं, आइए हम बताते हैं आपको। हम आपको यहाँ पांच पॉइंट बताए हैं दोस्तों, आइए बताते हैं दोस्तों। डीके गोयल बुक का, डीके गोयल बुक को दोस्तों अपने भरे में पढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव वो है फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, मतलब आपके अकाउंटिंग सिस्टम में, आपके लेखा उद्देश्य में यूनिफॉर्मिटी एंड इक्विटी हो, उसी को बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि आप जो अकाउंटिंग करता है पर्सन आपके बिजनेस का, वो पर्सन को हेल्पफुल हो, इक्विटी शो हो उसको अकाउंटिंग मेथड्स में अकाउंटिंग करते समय। सेकंड है फ्रेंड्स आपका फॉर इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझने में, जानने में कोई दिक्कत ना हो, ये ऑब्जेक्टिव आपका बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव आपका वो है सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करना, उसको अच्छी तरीके से समझना, जानना या फिर लोगों को बताना, और ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है आपका जो प्रेजेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपके कोई फ्रॉड्स होते हो, या फिर जो किसी तरीके की हरकत होती हो, धोखेबाजी होती हो आपके बिजनेस में, उसको ठीक करने के लिए, उसको समझने के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी आपको बताता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। लास्ट दोस्तों आपका हेल्प ऑडिट्स। ये ऑडिट्स को मतलब कि जो आपके बिजनेस में रिटर्न ऑफ करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, उसको हेल्पफुल होता है ऑब्जेक्टिव, उसको हेल्प करता है, बताता है अच्छी तरीके से कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन होगा, कैसे रिटर्न ऑफ होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आएगा, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आज के लिए फिर मिलते हैं।